फ्रेंड्स, आज सुबह तो मैंने मेथी की पूड़ियाँ बनाई थी, तो अभी रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। और सुबह सुबह मैंने लिया था ताज़ा सा, बहुत ही फ्रेश सा पम्पकिन कद्दू, जिसको सीताफल पता नहीं और क्या बोलते हैं आपके इधर, आपके भाषा में तो हम तो उसको कद्दू बोलते हैं और इंग्लिश में उसको पम्पकिन हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके इधर इसको क्या बोलते हैं, कुमड़े की सब्ज़ी या फिर सीताफल की सब्ज़ी? तो आज मैंने बनाया है कद्दू की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली अच्छी लगती है। ग्रेवी वाली भी एक तरीके से बनाओ तो अच्छी लगती है बिना मसाले की। और साथ ही मैं बना रही हूँ राइस, तो आज का मेरा खाना है राइस और कद्दू की सब्जी ग्रेवी वाली। और फ्रेंड्स, आपको कद्दू की सब्जी पसंद है कि नहीं है? अगर नहीं है तो भी मुझे बताइएगा, लिख के है तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि ये सब्जी ऐसी है, एक तो लौकी की और एक कद्दू की, जो कि बहुत ही कम लोगों को पसंद होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सब्ज़ी पसंद है या नहीं भी पसंद है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा सिंपल सा खाना जो मैं अभी बनाने बैठी हूँ। अभी मेरा बहुत काम भी बाकी है, लेकिन आज मैं बहुत लेट हो गई, मैंने सोचा चलो जो भी बन रहा है मैं वीडियो तो डाल ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह से और वीडियो लेके, मैं आऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।